हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन द्वारा रेलवे के निजीकरण के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन एकमात्र रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एवं रेलवे के निजीकरण के खिलाफ सरकार के फैसले को लेकर सैकड़ों की तादाद में रेल कर्मचारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। सघन विरोध प्रदर्शन अभियान पखवाड़े के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई और भारी विरोध प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों की मांग है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाए, साथ ही रेलवे का निजीकरण बंद करें, सभी यात्री गाड़ियों का संचालन यथावत आरंभ करें, नई पेंशन स्कीम नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कोविड-19 के नाम पर ढेर कर्मचारियों का वेतन भत्ते भुगतान किया जाए, पेट्रोलिंग 12 किलोमीटर से अधिक नहीं हो, खतरे वाले रेलवे ट्रैक पर 2 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, सीधी भर्ती को कम करके पदोत्तरित जाए पदों को समाप्त करने से रोका जाए, सभी रेल कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे से अधिक नहीं हो, इस पर विचार हो। आज सैकड़ों मांगों को लेकर सैकड़ों की तादाद में इंडियन कर्मचारियों ने अपने यूनियन के तले भारी विरोध प्रदर्शन मारवाड़ स्टेशन पर किया। इस प्रदर्शन में जिले भर से रेलवे कर्मचारियों के अलावा अजमेर मंडल के अनेक स्टेशनों से रेलवे कर्मचारी भी इस धरना प्रदर्शन पर पहुंचे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अरुण गुप्ता, अजमेर जॉन यूनियन अध्यक्ष, इन्होंने ये कहा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में नव वर्ष 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक का एक सघन जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान चलाया जा रहा है रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के नाम पर। हम रेल कर्मचारी के माध्यम से आम जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भारतीय रेल का निजीकरण किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। वो ना तो देश के हित में है, ना देश की जनता के हित में है, ना देश की सरकार के हित में है और ना रेल कर्मचारियों के हित में है। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।